आइए आज समझते हैं हम ग्राम स्टेनिंग के प्रोसीजर को और ग्राम स्टेनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है उसको समझते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे, दो चार मिनट में यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल जाएगी। सो इसको डेवलप किसने किया था? इसको डेवलप किया था हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने। कब किया था? 1882 में, जब वो स्टडी कर रहे थे न्यूमोनिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो ये प्रोसीजर उन्होंने डेवलप किया और आज ये टेक्निक जो है ना माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए समझ लीजिए रामबाण है। रामबाण का मतलब हमको बहुत ही क्लियर डिफ्रेंसिएशन इससे मिल जाता है कि भाई ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। और स्टेप क्या है इसमें, सबसे पहले हम लेते हैं इसमें सैंपल को ले लिया, इसमें स्पेसिमेन को ले लिया हमने लिक्विड कल्चर से सपोज, या सॉलिड कल्चर से भी उठा लिया हमने। ठीक है, उसका क्या करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, आप ग्लास स्लाइड देखे होंगे, स्लाइड पर हम ऐसे ना स्मीयर बनाते हैं, स्मीयर का मतलब उस पर फैलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, लैम्प, स्प्रिट लैम्प होता है, आपने लैब में देखा होगा, स्प्रिट लैम्प के ऊपर जला लिया स्प्रिट लैम्प ऐसे, उसके ऊपर ऐसे 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 राउंड ऐसे हम करते हैं। ठीक है, स्लाइड को ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं, घुमाते हैं, क्यों कि ओवर हीटिंग ना हो। ठीक है, यूजुअली या तो हम एयर ड्राई भी करा सकते हैं, कुछ देर टाइम लगेगा उसमें, लेकिन इमीडिएटली करना है तो हम ऐसे करते हैं। ठीक है, ओवर हीटिंग नहीं होनी चाहिए। इसका पर्पज क्या है, हीटिंग से क्या होता है ना, जो सेल होती है सेल, वो ग्लास स्लाइड से ना चिपक जाती है। चिपकने से क्या होगा कि बाद में जब हम सॉल्वेंट का यूज करेंगे, ठीक है, तो वो कहीं पर भी अपने लोकेशन से मूव नहीं करेगी या वॉस्ट आउट नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें प्राइमरी डाई यूज करते हैं जिसको प्राइमरी स्टेन बोल रहे हैं। ठीक है, जिसमें कौन सा होता है, क्रिस्टल वायलेट होता है या मेथाइलिन ब्लू भी यूज करते हैं, क्रिस्टल वायलेट इज वेरी कॉमन। ओके, सो इसको हमने ड्रॉप से डाल दिया और 10 से लेके 40 50 सेकंड 60 सेकंड तक, एक मिनट तक अराउंड मतलब हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हम अगले स्टेप पे आते हैं, क्या करते हैं, आयोडीन डालते हैं। आयोडीन का जो लिक्विड मटेरियल होता है, आयोडीन हम उस पर यूज करते हैं। ठीक है, येलो इस कलर का दिखता है, आप देखिएगा लैब में। आयोडीन क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके साथ, क्रिस्टल वायलेट या प्राइमरी डाई के साथ। तो आयोडीन यहाँ क्या है, मॉर्डेंट की तरह यूज करता है। कोई भी मॉर्डेंट होता है ना, तो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बना के उस पर्टिकुलर जो डाई है ना उसको इन्हांस कर देता है। तो जो कलरेशन है, जो पर्पल कलर ये देगा ना, उसका अपीयरेंस और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, इन्हांस कर देगा। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो जल्दी से वॉश नहीं होता है। जैसे अभी हम आगे इसके नेक्स्ट स्टेप में यूज करेंगे वॉशिंग यूज करेंगे, सॉल्वेंट का यूज करेंगे, तो उसमें वॉश आउट नहीं होगा कम्प्लीटली। ठीक है, अदर पर्पज भी है, मेन पर्पज इसका इन्हांसमेंट करने का है। ठीक है, इसके बाद के स्टेप में हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट का यूज करते हैं। सॉल्वेंट में क्या होता है, इथाइल एल्कोहल होता है और एसीटोन का रेशियो होता है, यूजुअली 50:50 वॉल्यूम रेशियो। ओके, अब इसका हम यूज क्यों करते हैं, इसका यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका। ये क्या करता है, जो लिपिड होता है उसको डिजॉल्व कर देता है। ठीक है, लिपिड होता है डिजॉल्व कर देता है, तो जहाँ जहाँ लिपिड का कंटेंट ज़्यादा होगा वहाँ से वो डिजॉल्व कर देगा, और जो डाई, जो हमने पहले डाई यूज की थी ना, और जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, सब रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे लिपिड का कंटेंट कम होगा, दूसरा कंटेंट और कोई मटेरियल ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये काम नहीं हो पाएगा। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है, या पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, जो सेलवाल का पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा होता है, लिपिड कंटेंट बहुत कम होता है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे सारा लिपिड ऑलमोस्ट डिजॉल्व हो गया और वहाँ से स्टेन गायब हो गया, तो डीकलराइज हो गया बिल्कुल। ठीक है, लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वहाँ पे डीकलराइजेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे उसने रिटेन किया हुआ है। और ये क्या करता है सॉल्वेंट, जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, जो पोर्स होते हैं ना सेल वॉल में सपोज, तो पोर्स को क्या करता है, बंद कर देता है। ठीक है, क्लॉग कर देता है, बंद कर देता है, तो वहाँ से और रिमूवल मुश्किल हो जाता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अभी भी हमको दिखेगा क्या, पर्पल कलर में, और दूसरा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो डी कलर हो गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को और बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए काउंटर स्टेन यूज करते हैं। काउंटर स्टेन में क्या होता है, 0.1% फर्स्टीन होता है, या सेफ्रेनिन यूज करते हैं, जो हम प्लांट एनाटॉमी में बहुत कॉमनली यूज करते हैं सेल को देखने के लिए। इसको हम यूज करेंगे, जैसे ही ड्रॉप डाल के कुछ देर के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने पे हमको एक सेल दिखती है, क्या एक सेल कैसे दिखेगी, पर्पल एंड ब्राउन कलर की, क्यों, क्योंकि उसमें रेड पिगमेंट भी घुसा हुआ है, रेड डाई घुसी हुई है। और दूसरा सेल जो डीकलराइज हो चुका था कम्प्लीटली,
वो कैसा दिखेगा हमको, रेड कलर में या डार्क पिंक कलर में दिखेगा, अपीयर होगा आपको माइक्रोस्कोप में। तो जो डार्क पिंक कलर दिखा वो क्या हो गया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हो गया। और जो पर्पल ब्राउन कलर दिखा, ठीक है, जो पर्पलिश कलर दिख रहा है, पर्पल ब्राउन कलर अपीयर हो रहा है आपको माइक्रोस्कोप में, वो क्या हो गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गया। और ये स्टेनिंग टेक्निक जो है ग्रेजुएशन लेवल पे, मास्टर लेवल पे या ट्वेल्थ लेवल पे भी कभी कभी सिखाई जाती है। और माइक्रोबायोलॉजी में ये बहुत ही प्राइमरी टेक्निक है, जब हम कहीं पे भी बैक्टीरिया के ऊपर काम करते हैं किसी के लिए, किसी भी बैक्टीरिया या हमको पता नहीं है तो हम सॉयल से या राइजोस्फेरिक जोन से बैक्टीरिया उठाए हैं, तो हम सबसे पहले यही एनालिसिस करते हैं आइसोलेशन के बाद कि बैक्टीरिया इसमें जो भी है ग्राम पॉजिटिव कितना है, ग्राम निगेटिव कितना है, और ग्राम पॉजिटिव अल्टीमेटली ये इफेक्ट कॉज कर रहा है या ग्राम निगेटिव कर रहा है। क्लियर है? ओके, सो ये इस वीडियो का शॉर्ट भी मैंने ऐसे बनाया है, ये लॉन्ग वीडियो है तो यूट्यूब पे रहेगी, आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।